अस्सलामुअलैकुम फोर्थ क्लास, आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने पार्ट थ्री क्लाइमेट से। वेदर मीन्स द डे टू डे कंडीशन ऑफ हीट एंड कोल्ड, ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस, ड्राइनेस और रेन इन एनी प्लेस। क्लाइमेट मीन्स द वेदर कंडीशन इन अ रीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, द क्लाइमेट ऑफ नॉर्दर्न पाकिस्तान इज कोल्ड, वेयर एज द क्लाइमेट इन मोस्ट पार्ट ऑफ द पंजाब इज ड्राई, बट ड्यूरिंग द मानसून सीजन इट रेन्स अलॉट। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस कैन बी वेरी हॉट as on the equator, very cold as near the pole, or temperate, not too hot or not too cold. Climate can be very dry or wet, which shows that rainfall is an important feature of the climate. Climate has a great effect on people's lives, plants, crops and on the land in an area. इधर मौसम जो है conditions होती हैं गर्मी या सर्दी की, जो कि रोज़ पर रोज़ या दिन ब दिन चेंज होती हैं। इसके अंदर बादल आ जाते हैं, गर्मी आ जाती है, सूखापन आ जाता है, बारिश आ जाती है, और इसके मतलब है क्लाइमेट का मतलब है हमारे पास कि वेदर कंडीशन जो हैं किसी भी इलाके किसी भी जगह पे एक लंबे अरसे के वक्त पे जो मौजूद रहता है। इसके अलावा कहता है क्लाइमेट जो है हर जगह का डिफरेंट होता है, यानी कि इक्वेटर के ऊपर गर्म है और पोल्स के करीब अगर हम चले जाएँ तो वहाँ पर ठंडा है, और टेम्परेट होता है, यानी कि ब्रेट का मतलब है वो जो ना ज़्यादा गर्म हो ना ही ज़्यादा ठंडा। नेक्स्ट है, इन पाकिस्तान सम एरियाज इन सिंध एंड बलोचिस्तान आर हॉट थ्रू आउट द ईयर, सम प्लेसेस सच एज दूस हाई अप इन द हिमालयस आर वेरी कॉल्ड। कहता है पाकिस्तान में कुछ इलाके जैसे सिंध और बलोचिस्तान है वो सारा साल गर्म रहते हैं, जबकि कुछ इलाके जैसे कि हिमालयस तक अगर हम चले जाएँ तो वो बहुत ठंडे रहते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट, वो पॉइंट्स जो कि हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, रेनफॉल और द ह्यूमिडिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर क्लाइमेट एंड प्लांट ग्रोथ। सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड गेट मोर रेन देन द अदर, दे लाई इन द साउथ पार्ट ऑफ द रेन बियरिंग विंड्स। सम एरियाज आर वेरी ड्राई एज दे रिसीव वेरी लिटिल और डू नॉट रेन एट ऑल। कहते हैं सबसे पहली वजह हमारे पास बारिश आ जाती है, यानी कि बारिश कहते हैं बहुत ज़्यादा असर डालती है हमारे क्लाइमेट या प्लांट की ग्रोथ के अंदर। कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कुछ इलाकों में बहुत कम होती है। हाइट और ऑल्टीट्यूड, अगर हम ऊंचाइयों पर चले जाते हैं, अर्थ इज सराउंडेड बाय द एटमोसफेयर, हाई अबव द अर्थ सरफेस एटमोसफेयर इज क्वाइट कॉल्ड। दिस इज वाई इट इज कोल्डर इन द माउंटेन्स द नियर टू द कोस्ट। द नॉर्दर्न माउंटेन्स पार्ट ऑफ द आवर कंट्री इज कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। क्लोजनेस टू द सी, वो इलाके जो दरियाओं के करीब हैं। प्लेसेस क्लोज टू सी यूजली हैव कूल ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम सी टूवर्ड्स द लैंड। दिस हेल्प्स to keep the temperature down in the hot summer months. Karachi has a temperate climate since it is neither very hot nor very cold. इतने ज़मीन के वो इलाके जो कि अर्थ के एटमोसफेयर को सराउंड करते हैं और यहाँ उससे ऊपर अगर हम चले जाएँ तो वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। ज़्यादा वजह इसकी है क्योंकि ये कोस्ट के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, और कहता है अगर दरिया के करीब जो इलाके आते हैं क्लोजनेस टू द सी, वहाँ पर कहता है जो हवाएँ हैं वो ठंडी हवाएं जो हैं वो दरियाओं से हमारी ज़मीनी इलाकों की तरफ चलती हैं, उन इलाकों की तरफ जहाँ पे हमारे घर बने हुए होते हैं। कहता है कराची जो है वहाँ का टेम्परेचर बहुत टेम्परेट होता है, यानी कि नॉर्मल होता है, ना तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है ना ही वहाँ ज़्यादा ठंड होती है। शेल्टर्ड एरियाज, सम प्लेसेज आर शेल्टर्ड फ्रॉम द विंड एंड द रेन। फॉर एग्जाम्पल, अ रेंज ऑफ हिल्स कैन एक्ट एज अ बेरियर, वन साइड मे गेट लॉट्स ऑफ रेन बट द अदर साइड गेट्स वेरी लिटिल। दिस अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस एज इन केस ऑफ चित्वाल एंड गिलगित विच आर इन द रेन शेडो और द शेल्टर्ड एरियाज़। वो इलाके जिनको एक छत मौजूद होती है, जिन पर कहते हैं मिसाल के तौर पर हिली एरियाज़ जो हैं वहाँ पर आमतौर पर पहाड़ जो आ जाते हैं हमारे पास वो बैरियर्स के तौर पर एक्ट करते हैं, यानी कि उनको छत अदा करते हैं। तो वहाँ पर जब बारिश होती है तो जिस हिस्से पर हिल्स होती हैं वहाँ पर कम बारिश पड़ती है उसके नीचे हिस्से पर, जबकि बाकी हिस्से पर बारिश ज़्यादा पड़ती है। नेक्स्ट है हमारे पास था मानसून। The monsoon is a seasonal wind that blows from June to September in the subcontinent and across South Asia, Southeast Asia. It brings rain when it blows from the southwest over the Indian Ocean and Bay of Bengal. The diagram will help you to understand how the monsoon wind causes rain. In Pakistan, the monsoon drives in the summer. Rain clouds blow toward the west coast and the central plain of the India. By the time the monsoon wind reaches Pakistan, there is a little rain left. Monsoon rains in Pakistan fall between the months of July and September. Winter rainfall is mainly in the north and the west of the country, brought by the winds blowing over the Iran and Afghanistan. By the time they reach in Pakistan, there is a little rain left. कहते हैं मानसून की जो बारिशें हैं जून से सितंबर तक पड़ती हैं, और ये आमतौर पर साउथ ईस्ट एशिया से आगे तक चले जाती हैं। कहते हैं पहले जो हैं ये
समर में पाकिस्तान में समर में स्टार्ट हो समर में आना स्टार्ट हो जाती है मानसून, जबकि पहले जो है ये वेस्ट कोस्ट और सेंट्रल प्लेन्स जो है इंडिया के वहाँ पर बरस चुके होते हैं, जब तक ये पाकिस्तान में आते हैं लेकिन बहुत थोड़ी बारिश जो है इनमें बच जाती है और ये आमतौर पर जुलाई से सितंबर तक स्टार्ट होते हैं। विंटर रेनफॉल जो है वो कहता है सर्दियों की बारिशें वो नॉर्थ और वेस्ट ऑफ कंट्री में पड़ती हैं और पहले ये ईरान और अफगानिस्तान पर बारिश पड़ जाती है और उसके बाद पाकिस्तान में आती है। जब पाकिस्तान में आती है तो बहुत थोड़ी रेन या बारिश जो है वो बचती है इसके अंदर। आई होप क्लास आपको आज का लेसन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम इसके साथ करेंगे अपने टू क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लाइमेट फॉर अ रीजन, रीजन के अंदर किसी भी क्लाइमेट के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं या क्लाइमेट क्यों ज़रूरी है। क्लाइमेट हैज़ अ ग्रेट अफेक्ट ऑन पीपल्स लाइव्स प्लांट्स क्रॉप्स एंड ऑन द लैंड ऑफ द एरिया। कहता है क्लाइमेट जो है बहुत ज़्यादा असर डालता है लोगों की जिंदगियों पे, पौधों पे, जो हमारी क्रॉप्स हैं या हमारे पास जो एरियाज आ जाते हैं उनके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच पार्ट ऑफ द कंट्री इज वार्मर, के हमारे मुल्क में कौन सा हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म है। तो कहते हैं सिंध एंड बलूचिस्तान आर द वार्मर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, के सिंध और बलूचिस्तान वो दो इलाके हैं जो कि हमारे पास गर्म होते हैं। ये हमने अपनी रीडिंग में भी पढ़े थे। आई होप क्लास आपका आज का लेसन बहुत अच्छे से याद करेंगे, अपनी रीडिंग को भी ध्यान से पढ़ेंगे और साथ में अपने दोनों क्वेश्चंस को राइट भी करेंगे और अच्छे से लर्न भी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।